बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर के एडमिशन स्प्रिंग 2024 के रिलेटेड है। यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन स्प्रिंग 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन, जॉब्स और स्कॉलरशिप की अपडेट्स जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन्स की बात करें तो यूसीबी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन स्प्रिंग 2024 जो है वो बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में जो है वो ओपन हो चुके हैं। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूसीबी यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर साइड पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूसीबी यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है न्यू ईयर साइनअप, साइनअप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपना अकाउंट जो आपने वो सबसे पहले क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो है अपना वो इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करेंगे, इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने इंटर करना है, इसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अगर तो आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो आपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद सीएनआईसी नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है, इसके बाद जेंडर जो आपने वो सिलेक्ट करना है और साइनअप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू लॉगिन पासवर्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा, उसे यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे, इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपने वो इंटर करनी है, इसके बाद अपने जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने लास्ट इंस्टीट्यूट का नेम जो आपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह रिसीव हुई अपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने फैमिली डिटेल्स जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले फादर का नेम जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद फादर का स्टेटस जो आपने वो सेलेक्ट करना है, फादर का सीएनआईसी नंबर आपने इंटर करना है, फादर का सेल फोन नंबर आपने इंटर करना है, फादर की एजुकेशन जो है आपने वो सेलेक्ट करनी है, इसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, इसके बाद अपने टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स जो है अपने वो इंटर करनी है और टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो इंटर करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी जो है आपका अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, सिटी का पोस्टल कोड जो है अपने वो इंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो आपने इस सेम एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले रिलेशनशिप जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, फादर ब्रदर मदर जो है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फादर का रिलेशनशिप जो है आप वो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फादर की इनकम जो है अपने वो इंटर करनी है, एड्रेस हाउस एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद फी पेयर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, फी जो पर्सन पे करेगा उसका सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एजुकेशन का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, डिग्री लेवल जो अपने वो सबसे पहले सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो अपने इसे सेलेक्ट करना है, इसके बाद डिग्री जो अपने वो सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है या ओ लेवल की है अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस में की है या आर्ट्स में की है अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं, परसेंटेज पोर्टल खुद कैलकुलेट करेगा, इसके बाद कौन से स्कूल से अपने मैट्रिक जो अपने वो कंप्लीट किया है उस स्कूल का नेम आपने इंटर करना है, इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है, कौन से बोर्ड से अपने मैट्रिक अपने कंप्लीट किया उस बोर्ड का नेम जो अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिग्री जो अपने वो सेलेक्ट करनी है, इंटरमीडिएट की है या डिप्लोमा की है वो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने सेलेक्ट करनी है, एफएससी प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, प्री इंजीनियरिंग की है आपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद एफएससी का अपने पासिंग ईयर जो है वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद रिजल्ट स्टेटस जो है आपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे, परसेंटेज पोर्टल खुद कैलकुलेट करेगा, कौन से कॉलेज से अपने एफएससी जो आपने वो कंप्लीट की है उस कॉलेज का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद कौन से बोर्ड से अपने एफएससी कंप्लीट की है उस बोर्ड का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम्स का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपने प्रोग्राम्स जो है अपने वो सिलेक्ट करने हैं। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपने इधर जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद गार्डियन की जो जॉब है अपने वो सिलेक्ट करनी है। सर्विंग है या रिटायर्ड है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंट स्टेटस जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो है अपने वो एंटर करनी है और टोटल फैमिली मेंबर्स जो है अपने वो एंटर करने हैं। इसके अलावा अगर आपने पंजाब कॉलेज से अपनी एफएससी जो है वो कंप्लीट की है तो अपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। प्रीवियस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपने वो इधर एंटर करना है और पंजाब कॉलेज की जिस कैंपस में अपने एफएससी कंप्लीट की है अपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर अपने अपलोड करनी है और अपलोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जो है वो रीड कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद अपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद इधर अपने डिपॉजिट डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है और पेड चलान की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फीस चलान की जो डिटेल्स हैं वो एंटर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।